हेलो फ्रेंड्स, मैं संजना त्यागी संजना बुटीक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो मेरा चैनल सिलाई के लिए है, सिलाई करती हूँ मैं, उस पर सिलाई कटिंग से संबंधित हर एक चीज़ आपको मिलेगी, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे गोपाल जी के लिए फैंसी कैप बनाना, क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। और ये देखिए, ये मैंने ऊन ली है जो बारीक थी, जिसे मैंने डबल कर लिया है, क्योंकि बारीक से बनाती तो ये बहुत पतला हो जाता। आप भी इसी तरीके से कोई भी ऊन ले लें, और इसमें मिक्स करने के लिए जैसे कोई फूल पत्ती लें तो उसके लिए एक ऊन। अब हम ये चैन बनाते हैं, इसमें हमें 5 या 6 चैन हम बना लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसमें 5-6 चैन बना ली हैं। अब इसे हम छोटा, जो बिल्कुल कच्चा चावल बोलते हैं, हमारे यहाँ पर चावल बोलते हैं इस बुनाई को, वो आप इसे जॉइंट कर दें। और जॉइंट करने के बाद ये हमें इसे काफ़ी बड़ा खींच ले, कम से कम 1 इंच धागे को, और धागा लेने के बाद फिर इसे जैसे हम ये बनाते हैं चावल, इसमें इस तरीके से बनाकर इसे निकाल कर, जो भी ये हमारा पूरा गोला है 5 चैन का, ये पूरा फिल करना है आपको इसी तरीके से। ऐसे ही लंबे लंबे चावल खींच के, छोटे बड़े ना हो, वरना तो इसकी सेटिंग सारी ख़राब हो जाएगी। देखिए, काफ़ी ऊंचा खींच कर इसे इसी तरीके से पूरा फिल कर लें। आप चाहे तो मोटा क्रोशिया भी ले सकती हैं, बाकी मैंने बारीक से ही बनाया है, जो ऊन वाला क्रोशिया बोलते हैं वो ले सकती हैं। ये देखिए, इसी तरीके से बनाकर इसे पूरा हम फिल कर लेंगे। इस तरीके से ये दिखेगा कुछ। ये देखिए, इस यहाँ पर ऐसे आ गया है, और इसे जब इस तरीके से थोड़ी जैसे कटोरी बन जाती है ना, इस तरीके से जब बन जाएगी तो इसे हम यहाँ पर वही छोटे चावल से बिल्कुल बिना धागा लिए जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, अब इसे हमने जॉइंट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम एक जो बिना धागा लिए हम बनाते हैं वही फेर करेंगे। ये देखिए, अब इस पर मैं इस तरीके से, जो बिल्कुल बिना धागा लिए ये हम बनाते हैं अपना चावल बोलते हैं हमारे यहाँ पर इसे, इस तरीके से ये पूरा कहीं कहीं डबल कर देंगे इसे, जिससे कि ये हमारा जो ऊपर हम इसमें झालर बनाएंगे, जो वो थोड़ा आगे से फ्रिल बन जाएं उसमें। और ये पूरा हम इसका फेर बना लेंगे अपना, ये देखिए इस तरीके से, और इसे पूरा फेर अपना गोल बना लेंगे। ये देखिए, ये मैं इस पर यहाँ पर कच्चे जो ये छोटा चावल बोलते हैं बिना धागा लिए, उसके पूरे फेर बना रही हूँ। अभी ये थोड़े कम हैं, अभी हम कम से कम भी 2 फेर और बनाएंगे इस पर, उसके बाद हम इस फेर फाइनल लुक देंगे। तो ये देखिए, मेरे ख्याल से अब ये काफ़ी इसका घेर बन चुका है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसे हम इस तरीके से करके यहाँ पर 2 चैन बनाकर इसे कट कर देंगे, और इसे खींच कर हम पीछे की साइड इसमें सेट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये हमारा हैट तैयार है। आप चाहे तो इसमें साइड में कोई छोटा फूल या कोई भी चीज़ बनाकर इसे लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारे गोपाल जी के लिए फैंसी कैप बिल्कुल तैयार है। तो चलिए, अब हम अपने कैप के लिए एक पत्ती या फूल कुछ बनाते हैं। तो उसके लिए हमने पहले ये 5 चैन कर ली हैं, अब इसे हम जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। अब इसमें हम, ये देखिए यहाँ पर, ये ऐसे यहाँ पर एक, ये चार, हम 3 बना लेंगे, 2 और 1 3। अब इसे हम यहाँ बिल्कुल नीचे की साइड इससे इस तरीके से, ये देखिए ये एक छोटी पत्ती हो गई है इस तरीके से। अब हम एक चैन लगाएंगे और फिर यही बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर इसमें 3 पत्तियाँ इस तरीके से बना ली हैं ऐसे ही, और इसमें हमने ये 4-5 चैन यहाँ पर कर ली हैं। अब इसे हम
कट कर देंगे और इसे हम चैन में जो धागा हमने निकाला है इसे पीछे की साइड ही, देखिए वो धागा हमने पीछे की साइड ही इसमें छुपा दिया है। अब इसे हम यहाँ पर इस तरीके से लेकर या तो ऐसे या ऐसे यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से, और जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देखिए ये हम इसे यहाँ पर ऐसे, चाहे तो फ्रंट लगा लीजिए इसे, चाहे जैसे भी उसे इसमें जॉइंट कर देंगे। ये देखिए ये हमने इसमें यहाँ पर छोटी पत्ती लगा दी है। इसे चाहे तो आप ग्लू से भी फिक्स कर सकते हैं, चाहे तो सुई से ही फिक्स कर दें। और ये देखिए हमारे गोपाल जी का फैंसी कैप तैयार है। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।